नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं आदित्य झा। जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनी है 2020 इलेक्शन के बाद से, तभी से आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है कि जो अलायंस है उसमें फूट डाला जाए और किसी तरीके से साहनी या फिर मांझी को अपने पार्टी में मिलाया जाए और सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के द्वारा। इसमें तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव हैं। इसी बीच बार बार कोई ना कोई ऐसा वक्तव्य आ जाता है मांझी या सहनी से जो कि इस तरह के हिंट देता है कि शायद वो लोग नाराज चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल जीतन राम मांझी ने कहा है कि महंगाई को लेकर के सरकार को थोड़ा और सीरियस होने की ज़रूरत है और जो लोग आंदोलन या प्रदर्शन करते हैं उस पर सरकार कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रही है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी पहले जेडीयू में ही थे, फिर उन्हें सीएम बनाया गया, फिर उन्होंने नीतीश के अनुसार काम नहीं किया और नीतीश कुमार ने उन्हें हटा दिया। फिर जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बनाई और अभी जो 2020 में चुनाव हुए थे वो एनडीए का हिस्सा रहे और अभी सरकार के भी हिस्सा हैं। लेकिन पुरानी जो दोस्ती कहें या दुश्मनी कहें, जो भी रिश्ता है इनका, वो छूट नहीं जाता है और बार बार वो नीतीश कुमार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। फिलहाल उन्होंने सिर्फ महंगाई पे ही नहीं घिरा है, यहाँ पे जो आईएएस का कंप्लेन, जो एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था उस पर भी जीतन राम मांझी ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब आईएएस इतना असहाय महसूस कर सकता है तो आम जनता का क्या हुआ, जो कि सही बात भी है। अगर आईएएस को किसी रूप की परेशानी है तो एफआईआर दर्ज करके जांच जरूर होनी चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, बाद में पता चले कि सही और गलत कौन है। जीतन राम मांझी के ये स्टेटमेंट आए, तेजस्वी यादव ने आंदोलन शुरू किया था। फिलहाल तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं बीच आंदोलन में, तो आप समझ सकते हैं कि ओपोजिशन जो है वो कितना सीरियस है अपने आंदोलन या फिर अपने जो भी मूवमेंट है उनको लेकर के। आप देख रहे थे कंट्री इनसाइड न्यूज़। बिहार, देश, दुनिया, तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।